नमस्कार, इंडिया टॉप न्यूज में आपका स्वागत है। ब्रेकिंग न्यूज महोबा। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री के रूप में मनचाहा वर पाने की इच्छा रखने वाली MBBS की छात्रा इस कलयुगी में कर रही बड़ा तप। गंगोत्री से बागेश्वर धाम गंगा कलश लेकर निकली शिवरंजनी महोबा पहुंची। सनातन धर्म में तप और तपस्या से मनचाहा वर पाने का उल्लेख धर्म शास्त्रों में भी मिलता है, लेकिन इस कलयुग में भी गंगोत्री से बागेश्वर धाम सर पर गंगा कलश लेकर पैदल जा रही शिवरंजनी तिवारी पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के दर्शन की लालसा रखती है, जिन्हें अपना प्राणनाथ मान चुकी शिवरंजनी इस भीषण गर्मी में तमाम दुश्वारियां के बीच महोबा पहुंची है, जहां से बागेश्वर धाम की दूरी मात्र 80 किलोमीटर ही रह जाती है। महोबा पहुंचते ही शिवरंजनी तिवारी का जगह जगह भक्तों द्वारा स्वागत किया जा रहा है, तो वहीं महिलाएं भी मंगल गीत गाकर उन्हें आशीर्वाद दे रही है। 16 जून को शिवरंजनी कलश यात्रा को लेकर बागेश्वर धाम पहुंचेगी। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को अपना प्राणनाथ कहने वाली शिवरंजनी उनसे विवाह करने की इच्छा रखती है। उन्होंने इस दौरान शायरी के अंदाज में कहा कि जब तक बिका न था कोई पूछता न था, आपने खरीद कर मुझे अनमोल कर दिया। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से विवाह करने की इच्छा रखने वाली MBBS की छात्रा और कथावाचक शिवरंजनी तिवारी गंगोत्री से सर पर गंगाजल का कलश लेकर पैदल ही मध्य प्रदेश के चर्चित बागेश्वर धाम जा रही है। तकरीबन 1150 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए इस भीषण गर्मी में शिवरंजनी अपने पिता और भाई के साथ बुंदेलखंड के महोबा पहुंची है, जहां पर जगह जगह भक्तों द्वारा उनका स्वागत किया जा रहा है। एक दिन अपने भक्त के घर में रुककर शिवरंजनी फिर से 48 डिग्री तापमान में पैदल ही अपने प्राणनाथ के दर्शन के लिए चल पड़ी है। गंगा कलश की पूजा विधि विधान से करने के बाद शिवरंजनी तिवारी ने बागेश्वर धाम सरकार की जय के साथ साथ पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की जय बोलते हुए अपनी यात्रा के लिए निकल पड़ी है। जहाँ जहाँ वो पहुँच रही है वहाँ वहाँ महिलाओं और भक्तों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है और मंगल गीतों के साथ अपार शुभकामनाएं महिलाएं शिवरंजनी दो दे रही हैं। शिवरंजनी की मंशा पंडित धीरेन्द्र शास्त्री से विवाह करने की है और वो खुद उन्हें अपना प्राणनाथ बताती है। सनातन धर्म में अपना मनचाहा वर पाने के लिए तपस्या का वर्णन भी धर्म शास्त्रों में मौजूद है। ऐसे में इस कलयुग की भीषण गर्मी में शिवरंजनी तिवारी की लंबी यात्रा को किसी तपस्या से कम आंकना गलत होगा। मूल रूप से सिवनी मध्य प्रदेश की रहने वाली शिवरंजनी तिवारी अपने पिता और भाई के साथ इस पदयात्रा में निकली है, जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के दर्शन और उनसे विवाह करने की मंशा है। उत्तराखंड के गंगोत्री से आरंभ हुई है ये यात्रा। कई किलोमीटर का परेशानियों भरा सफर तय कर शिवरंजनी बुंदेलखंड के महोबा में है, जहां से वह अब बागेश्वर धाम के लिए पैदल प्रस्थान कर रही है। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का नाम आते ही उनके चेहरे पर मासूम सी लालसा और मुस्कान दिखाई पड़ती है। MBBS की छात्रा पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से इस कदर लगाव रखती है कि पैदल ही अपने प्राणनाथ से मिलने के लिए चल पड़ी है। उन्होंने संदेश दिया कि सभी लोग बालाजी सरकार बागेश्वर धाम से जुड़े। एक शेर के माध्यम से उन्होंने कहा कि जब तक बिका ना था तो कोई पूछता ना था, आपने खरीद कर मुझे अनमोल कर दिया। क्योंकि आज के 10 दिन पूर्व शिवरंजनी को कोई नहीं जानता था, लेकिन जब से बालाजी सरकार बागेश्वर धाम के चरणों से जुड़ी हूँ तो आज मुझे घर घर पहचान मिली है। उन्होंने कहा कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की वह इसलिए जय बोलती है क्योंकि उन्हीं की कृपा है कि वह पैदल उनसे मिलने जा रही है। वह उनके प्राणनाथ है और उनसे मिलने की लालसा उन्हें गंगोत्री से बागेश्वर धाम खींच कर ला रही है। इस बीच उन्होंने एक भजन गाते हुए अपने प्रेम का बखान किया और बताया कि उन्हें मीरा जैसी लगन है, जो लगन सिर्फ और सिर्फ बागेश्वर धाम पहुंचकर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के दर्शन के बाद ही। शिवरंजनी तिवारी इस बीच शिवरंजनी तिवारी ने बताया कि उनके सफर में कठिनाइयां भी सामने आई है। जब भी कोई शुभ कार्य होता है तो उसमें कठिनाइयां और चुनौतियां होना स्वाभाविक है। ऐसे में उनके इस शुभ कार्य में भी तमाम कठिनाइयां सामने आई हैं, जिन्हें पाकर वो बुंदेलखंड के महोबा तक आ गई है, जहां से बागेश्वर धाम की दूरी ज्यादा नहीं रह गई है। 1 मई से शुरू हुई इस पदयात्रा में गंगोत्री में ही ग्लेशियर फट जाने से उन्हें पहली दिक्कत उठानी पड़ी, तो वहीं उसके बाद भीषण गर्मी ने उनका रास्ता रोका है। लेकिन इस बीच कहीं कहीं भगवान इंद्र की कृपा से मौसम सुहाना भी होता गया और यह पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की ही लगन है कि वो अब महोबा तक आ गई है। उन्होंने बताया कि इस बीच उन्हें साधु संतों का भी आशीर्वाद मिल रहा है। पदयात्रा में जहां जहां दिक्कत आई वहां वहां बालाजी सरकार का ध्यान किया और सब अपने आप ही व्यवस्थित होता चला गया है। यही नहीं, लून के थपेड़े भी उनकी यात्रा पर प्रभाव नहीं डाल सके। उन्होंने कहा कि आ गए शौक के आखिरी मोड़ पर, राह के बेजख्म देखते देखते एक दिन मंजिल पर भी पहुंच जाएंगे, प्रभु के नक्शे कदम देखते देखते। 16 जून तक शिवरंजनी तिवारी बागेश्वर धाम पहुंचने का दावा कर रही है। लेकिन इस बीच खबर आ रही है पंडित धीरेन्द्र शास्त्री 15 जून से एकांतवास के लिए चले जाएंगे। इस उलझन के बीच शिवरंजनी तिवारी का सफर महोबा से जारी है। उन्होंने कहा कि इस तपस्या के फल मुझे मिलना शुरू हो गए हैं। रास्ते में जगह जगह साधु संतों के आशीर्वाद मिल रहे हैं। 1 से 2 होने के आशीर्वाद मिलने से वो उत्साहित है। बागेश्वर धाम से जुड़े भक्तों द्वारा जगह जगह उनका स्वागत किया जा रहा है। है आँख वो ज
जो श्याम का दर्शन किया करे, है शीश जो प्रभु चरण में वंदन किया करे, बेकार वो मुख है जो रहे व्यर्थ बातों में, मुख वो है जो हरि नाम का सुमिरन किया करे, हीरे मोती शोभा है हाथ की, है हाथ जो भगवान का पूजन किया करे, मर कर भी अमर नाम है उस जीव का जग में, प्रभु प्रेम में बलिदान जो जीवन किया करे, ऐसी लागी लगन मेरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरे गुन गाने लगी, महलों में पली बन के जोगन चली, मीरा रानी दीवानी कहाने लगी, ऐसी लागी लगन मेरा हो गई मगन। बोले पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज की जय। मैं हर किसी को यही संदेश देना चाहूँगी कि सभी लोग बालाजी सरकार से जुड़िए, बागेश्वर धाम से जुड़िए, इसलिए जुड़िए कि क्योंकि मुझे गारिफ की एक शायरी याद आ गई, जब तक बिका नहीं था कोई पूछता नहीं था, जब तक बिका नहीं था कोई पूछता नहीं था, खरीद कर तो आपने अनमोल बना दिया। मैंने इसलिए कहा क्योंकि आज के 10 दिन पहले तक मुझे कोई नहीं जानता था, और जब से मैं बालाजी सरकार के चरणों से जुड़ी हूँ, बागेश्वर धाम से जुड़ी हूँ, आप सभी लोगों ने मुझे घर घर तक पहुँचा दिया। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का नाम आते ही आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है, इसका राज क्या है? पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज की जय हो। मैं उनकी जय इसलिए बोलती हूँ क्योंकि उन्हीं की कृपा है, वो मेरे प्राणनाथ है, और उन्हीं की कृपा से मुझे आज इतना जो भी मिल रहा है सब उन्हीं की कृपा से है। क्या लगता है आपको जिस तरीके से आप मध्य प्रदेश की रहने वाली हैं, तो आप सीधा जा सकती थी वहाँ पे बागेश्वर धाम, इतना लंबा घूम के गंगोत्री से बागेश्वर का ही प्लान क्यों, आखिर मन में कैसे आया विचार? मध्य प्रदेश के सिवनी में हमारा पैतृक घर है, मेरे पिताजी का जन्म स्थली है सिवनी, और जैसे कि सभी को पता है हम सभी लोग जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद जी के परिवार से बिलोंग करते हैं, इसके कारण हम सिवनी से कनेक्ट हैं। लेकिन मेरी जो बॉर्न एंड ब्रॉटअप हुआ है वो हरिद्वार हुआ है, वहीं मेरी शिक्षा हुई है, और चूँकि हरिद्वार एक पावन तीर्थ नगरी है तो मैं चाहती तो हरिद्वार से भी आ सकती थी, लेकिन फिर गुरुदेव जी की आज्ञा हुई, पिताश्री ने भी मुझे सजेस्ट किया कि अगर ऐसा शुभ कार्य करना ही है तो क्यों ना गंगोत्री में, गौमुख में, जहाँ पर साक्षात गंगा माता प्रकट हुई हैं, क्यों ना वहाँ से इस शुभ कार्य को स्टार्ट किया जाए, तो इसलिए मैंने गंगोत्री से बागेश्वर धाम चुना। महोबा से दूर नहीं है बागेश्वर, तो मन में कैसा लग रहा है, कितनी खुशी हो रही है? खुशी भी हो रही है, और जैसे कि हमारे प्राणनाथ प्रभु जी ने ऐलान किया है कि वो 15 जून से एकांतवास में जा रहे हैं और मैं 16 जून को वहाँ जा रही हूँ, लेकिन जब मैंने 1 मई को अपना ये गंगा कलश उठाया था गंगोत्री से, तब भी मुझे नहीं पता था कि हम लोग 16 जून को जब पहुँचेंगे, 16-17 जून, क्योंकि भीषण गर्मी बहुत हो रही है, एक दिन ऊपर नीचे हो सकता है, तो मुझे नहीं पता था कि प्रभु जी के दर्शन होंगे या नहीं होंगे, लेकिन मेरे मन में ये विश्वास है, मेरे बालाजी सरकार पे मुझे पूरा विश्वास है कि मुझे मेरे प्रभु जी दर्शन देंगे, देंगे और देंगे। और अभी कुछ भक्तों, जिन भक्तों ने मुझे बताया था कि मैसेज करके कि अरे देखिए आपके प्रभु जी तो एकांतवास में जा रहे हैं, आप सभी लोगों की ब्रेकिंग न्यूज़ में भी चल रहा था ये, तो मैंने उसके बाद तुरंत ही जो मुझे लगा, मैंने अपना एक तुरंत छोटा सा एक बाइट बना के दिया कि हे मेरे प्राणनाथ प्रभु, मैं आ रही हूँ और आप एकांतवास में जा रहे हैं, मैं भक्ति में बाधा बनना नहीं चाहती, लेकिन कृपा कीजिएगा दर्शन देने की। तो मुझे कुछ भक्तों द्वारा ऐसे मैसेज करके बताया जा रहा है
कि हमारे प्राणनाथ प्रभु 16, 17, 18, 19 को दिव्य दरबार लगाने वाले हैं। एकांतवास लगभग कैंसल हो गया है, मुझे नहीं पता, मुझे भक्तों द्वारा बताया जा रहा है। अब देखते हैं बालाजी की क्या कृपा होती है आगे। प्राणनाथ आपने मान लिया है, ये शब्द आसान नहीं है, क्या लगता है कैसे पूरा हो पाएगा और ये कठोर तपस्या जो कर रहे हैं इसका फल मिलेगा आपको? अगर तपस्या के फल की बात है तो मैं तो कहूँगी कि भाई मुझे मिल चुका है, बीच रास्ते में मुझे फल मिलने शुरू हो गए हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हम जिस जिस जगह पर गए हमारी यात्रा का, जहाँ जहाँ पर रात्रि में विश्राम हुआ, हर जगह हमें संतों की ही छत्र छाया मिली, हर जगह हमें संत दर्शन ही मिले, संत के चरणों में ही हमें जगह मिली। अगर चित्रकूट की ही बात करूँ, क्योंकि वहाँ पर हमारा बहुत बड़ा संत समाज ने कार्यक्रम करवाया था, चित्रकूट की तो मैं महिमा क्या ही वखान करूं। हमने 3-4 दिन वहां पे विश्राम किया था, इतने दिव्य संत मुझे वहां मिले। और जब से ये थोड़ा सा शादी का थोड़ा सा मैटर उछल गया है, तो हर संत जहां से भी मैं निकलूं अपनी गंगा कलश यात्रा लेके, एक ही आशीर्वाद मिले, बस तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। अब जब भी आना, जब मुझे भी याद है वो किस्सा, जब हम लोग कामतानाथ की कामतगिरी की परिक्रमा कर रहे थे, तो वहां पे कुछ संत भी परिक्रमा कर रहे थे, तो जैसे ही उन्होंने मुझे देखा और उन्होंने चलते चलते कहा, बेटा अभी तो अकेले परिक्रमा कर रहे हो, अगली बार आना तो उनको साथ में लेके आना, सब साथ में ही परिक्रमा करना। हम लोग रामघाट गए, वहां पर हम लोगों ने नौका विहार किया, वहां पर भी जितने संत थे उस घाट में आरती के समय शाम को मंदाकिनी के तट में, सब ने ये कहा अभी तो ठीक है, मिल लो इनसे, अब आगे जाके पता नहीं मिलेंगी नहीं मिलेंगी, आना तो अपने प्राणनाथ के साथ ही आना। और मतलब आशीर्वाद ही मिल रहा है कि बिल्कुल बस अब साथ में ही आइएगा। खैर संतों का आशीर्वाद है, हम कुछ कह भी नहीं सकते। तो जबकि मैंने कहीं ऐसा नहीं कहा है कि मैं शादी करने जा रही हूँ या प्रस्ताव लेके जा रही हूँ, लेकिन संत तो निराले होते ही हैं, उनका आशीर्वाद मिलते जा रहा है रस्ते रस्ते। इतना आसान नहीं है डगर, कितनी दुश्वारियाँ आ रही है सामने मैदान में, किस तरीके से आप कितने किलोमीटर चलकर महोबा पहुँची है। जय श्री बागेश्वर धाम की, जय सन्यासी बाबा की, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज की जय हो। देखिए जब भी हम कोई शुभ कार्य करते हैं, यज्ञ करते हैं, तप करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, तो चुनौतियां ना आए हमारे मार्ग में ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। जैसे कि हमारी यात्रा की ही अगर बात की जाए, हमारी यात्रा 1 मई से स्टार्ट हुई, हम लोग गंगोत्री गए और जैसे हम लोग नीचे उतर रहे थे तो बीच में पता चल गया कि ग्लेशियर फट गया, और हम लोग बस उत्तरकाशी तक ही पहुँचे थे और उत्तराखंड सरकार ने सारे रास्ते बैन कर दिए, सब आवाजाही सब बंद हो गई, हम लोग परेशान हो गए। लेकिन फिर हमने बालाजी का ध्यान किया, हमको उत्तरकाशी में ही एक आश्रम में व्यवस्था मिली, वहाँ से हम जैसे ही नीचे आए देहरादून में माँ पीताम्बरा के मंदिर में, तो वहाँ पर हमें इतनी मूसलाधार बारिश मिल गई। मुझे तो ऐसा लगता है हमारी इस पूरी यात्रा में इंद्रदेव कुछ ज़्यादा ही कृपा कर रहे हैं हमारे ऊपर, चाहे देहरादून हो, चाहे ऋषिकेश हो, बरेली हो, इवन कानपुर, प्रयागराज, हमारी यात्रा जहाँ जहाँ जा रही है सभी जगह लगभग हमको इंद्र भगवान की अच्छी खासी कृपा मिल गई। और खैर खुशी की बात भी है, सब लोगों ने कहा। और जब हम चित्रकूट आए और यहाँ पर जब हमें दिव्य संतों के दर्शन हुए, चुनौतियाँ तो आई क्योंकि बीच में एक हफ्ता ऐसा भी आया था 22 मई से 29 मई का, जिसमें इतनी भीषण गर्मी थी, हमें ऐसा लग रहा था मान लो 50 डिग्री भी क्रॉस कर चुका हो टेम्परेचर, लेकिन हमारे कदम बिल्कुल भी नहीं रुके, उसको भी हमने झेल ही लिया। अब तो फिर भी थोड़ा सा नॉर्मल हो गया है टेम्परेचर, लेकिन चित्रकूट में जब हम आ गए थे तो हमारे साथ के कई सारे लोग, जैसे आचार्य जी हैं, महामंडलेश्वर जी हैं, इन सभी की तबीयत रास्ते में ख़राब हो गई, किसी को लू लग रही है तो किसी को कुछ हो रहा है, किसी को बुखार हो रहा है। अब बस चलती रही हमारी चुनौतियाँ, सबको बस काटते काटते, हर चुनौतियों से लड़ते लड़ते हम अपने मंजिल के बहुत करीब आ गए हैं। मुझे एक शायर की शायरी याद आ गई, आ गए शौक के आखिरी मोड़ पर, आ गए शौक के आखिरी मोड़ पर, राह के बेजुखम देखते देखते, एक दिन मंजिल पर भी पहुंच जाएंगे, प्रभु के नक्शे कदम देखते देखते। बिल्कुल करीबी पहुंच चुके हैं हम अपने सरकार के, और बस 16 जून का इंतज़ार है हर किसी को, हमें भी इंतज़ार है बालाजी सरकार तक पहुंचने।